मतलब मैं अपनी स्कूटी से आना नहीं चाह रहा था, बट भाई ने बोला आज भाई तू ले चल, क्योंकि मेरा अभी तक लाइसेंस नहीं बना। भाई ये हमारे उत्तर प्रदेश का भवन है। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक भैया मिले हमको, तो पंचर लगा रहे हैं। अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं भाई से, भैया कुछ कम कर दो। जय हिंद दोस्तों, तो यार स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो यार आज काफी काफी दिन बाद हम लोग, मतलब मैं अपनी स्कूटी से आना नहीं चाह रहा था, बट भाई ने बोला आज भाई तू ले चल, क्योंकि मेरा अभी तक लाइसेंस नहीं बना। क्या बोला तूने? तो ये इसके पास लाइसेंस है इसलिए ये ले आया, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था। एक स्कूटी और एक बाइक लेके आए थे जिसमें हो गया भाई का पंचर। तो अभी हम लोग आ रहे सीधा यहाँ से कन्नौट प्लेस, तो अभी पंचर की कोई शॉप ढूंढेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे सीधा सीपी। तो आज का ब्लॉग मेरे नए फ़ोन से होने वाला है, 14 से। यार शॉप यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे है, तो अभी हमको पैदल ही जाना पड़ रहा है। ये हमारे टीपी भैया। हाँ भाई पैदल पद यात्रा। भाई ये हमारे उत्तर प्रदेश का भवन है, उत्तर प्रदेश भवन संगम। यहाँ पे सब भवन है, हम इस टाइम कहाँ चल रहे हैं हमें यही नहीं पता। लोकेशन मिली है सरदार पटेल पार्क। भाई कह रहे हैं फोटो ले लो, हमारी तैयार खड़े हैं देखो। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक भैया मिले हमको, तो पंचर लगा रहे हैं। हाँ भाई खुश। इधर शायद बंगला साहिब है, उसके बाद हमारा सीपी। देखो भैया ने पूरा गाड़ी में कैरी कर रखा है सामान। तो भाई हमारी ट्यूब हो गई यहाँ पे ख़राब, क्योंकि कील निकल गई थी। हाँ भाई क्या करा जाए, ट्यूब अभी बार्गेनिंग कर रहे हैं भाई से। भैया कुछ कम कर दो। 350 बताए, अब 250 में डाल दो। एरिया बता दो तुमको, मैं बता दे रहा हूँ। ये मदर टेरेसा रोड पे ना इनकी भैया की दुकान है, इसके पास निशुल्क जन मदर टॉयलेट के पास। ठीक है, ये भैया मिलेंगे। ठीक है, और इधर इधर क्या पड़ता है रे? हाँ फाइनली हम लोग अभी आ गए हैं सीपी, और ये हमारी पार्किंग। अभी गाड़ी लगा के इधर चलते हैं सीधा। ये पी ब्लॉक है, यहाँ पे पार्किंग है, और उधर हम जो जाते हैं हर शाम को, मतलब हनुमान मंदिर। और इधर अभी सीधा है ब्लॉक, उसके बाद पार्क। पार्क पे जाके आज फिर से वही करनी है। दिल में अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज। तो यार भाई अभी हमने एंट्री मारी, एंट्री मारते मारते भाई लोग मिले हैं कुछ। इनकी तरफ दिखाओ ना अब। क्या यार तू। ये इधर है, ये ही लोग मिले थे, तो इनके लिए मैंने थोड़ा बजाया, मतलब बस आता है इधर शिवम, सॉरी एसआर का यहाँ शूटिंग चल रहा है। ये लोग देख समझ भी नहीं आ रहा है इनको कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है यहाँ पर। और इधर एसआर के छोटे भाई साहब हमारे। मैम इससे बड़ा कोई है नहीं। हाथ तो कितने कमा लेते हो? कितने कमा लेते हो भाई ऐसे उठा उठा के? 10-15 हजार। अच्छा।